राजा फर्क कितनी हम अरे बात थे, करो हम इसी जूता में थे ठीक है, पर हम लोग जहाँ थे अरे वो देख लेगी ब्लॉग तो फिर अभी विवेकानंद चौक पास पहुंच गए हैं, स्वामी विवेकानंद चौक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं चांकी साइड में, तो देखते हैं चांकी साइड में एक है चांकी पहाड़, तो उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेड़मा चौक। मतलब रांची से आने समय या हजारीबाग से आने समय तो सबसे पहले रेड़मा चौक पड़ेगा, और इस साइड बाकी है तो ये सब बस परी वरी जा रही है मालूमान रांची, और यहाँ पे ट्रेन खुल गया है तो स्टॉपिंग करने यहाँ आएंगे। तो अभी हम लोग इसी पहाड़ को चांकी पहाड़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी हम लोग पहाड़ चढ़ने वाले हैं, ये वाला चांकी पहाड़ है, तो आज हम लोग इसी पहाड़ को एक्सप्लोर करेंगे। और ये बना हुआ है, चढ़ने का बना हुआ है पूरा, ताकि कोई भी बाइक ऊपर ना जाए और कोई भी किसी भी तरह का व्हीकल ऊपर ना जाए, गाड़ी ऊपर ना जाए, इसीलिए पूजा स्थल बन गया है। अब ऊपर जाकर देखते हैं कौन सी पूजा स्थल बनी है यहाँ पे। और हमारे साथ हैं अल्बर्ट और अनुज, बीच ज्वाइन किए हैं अभी भी, और हम लोग अभी चाय कर रहे हैं। रास्ता तो ठीक है, रास्ता पूरा सीमेंटेड बना हुआ है, और अभी से ही मेरे पीछे आपको थोड़ा थोड़ा गांव बस्ती दिखाई दे रहा है। तो अभी चलते हैं और ऊपर आपसे जाके मिलते हैं। दिख रहा? हाँ दिख रहा। तो अभी आधा ऊपर आ चुके हैं, अभी और आधा ऊपर चुके हैं। ऊपर में झंडा दिख रहा है आपको? इधर है यार, किधर झंडा? तो जिधर भी आपको झंडा दिख रहा होगा बस उतना ऊपर और जाना है मेरे को। यहाँ पे लिखा हुआ है नशा करना मना है, लेकिन यहाँ बियर बोतल भी कम नहीं मिल रहा है। डोंट ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल का बोतल काफी ज्यादा मिल रहा है। और पूरा कचरा हो गया है, पूरा कचरा हो गया। जैसे आपको ले के गए थे हम सिंदरी पहाड़, आपको ले गए तो वहाँ देखे होंगे धीरे धीरे कचरा फैल रही है, लोग वहाँ जाके गंदा कर रहे हैं। तो वो वही हाल यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर जैसे लोग आए, बाजार लगाए, मेले लगाए, और यहाँ पे कचरा फैल गई। तो आप भी जब भी यहाँ आए तो सावधानी बरते, थोड़ा कचरा कम फैलाएं। और यहाँ से देखिए, आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है, गजब।
और वो जो सूरज दिख रहा है वो एक मतलब एलईडी बल्ब की जैसा दिख रहा है कि ऊपर से रोशनी दे रहा है। अरे इधर से, और नीचे वाटर पंप मशीन है और नीचे से पानी चढ़ रहा था ऊपर में इस कुआं में, और ऊपर दिख रहा है झंडा। और इधर पूरा जंगल है पूरा, इधर से गांव बड़ा सुंदर दिख रहा है। गांव कम झाड़ी ज्यादा दिख रहा है। इधर का गांव बड़ा सुंदर दिख रहा है पूरा, गांव के बाद में उधर खेत हरा भरा पूरा, इधर जौ का खेत दिख रहा है, गेहूं का खेत दिख रहा है पूरा बिस्किट जैसा, और सूरज अभी और तेज निकल रहा है। और इस साइड में मंदिर, हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर में, सबसे ऊपर पहुँच गए हैं। ये मंदिर है और यहाँ पे भी एक टंकी लगा हुआ है ताकि आपको पानी पीने के लिए कोई दिक्कत ही ना हो, और बैठने के लिए भी सुविधा बनाया गया है टेम्प्रोरी। और यहाँ पे हवन कुंड है जहाँ पे हवन वगैरह होता है, जब भी आप पूजा वगैरह करने आए तो यहाँ पर हवन कुंड जरूर करवाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये रेड रंग का मंदिर आपको दूर से ही नीचे से ही आपको दिख जाएगा, और इधर से, और यहाँ पे बड़ा बड़ा चट्टान, काफ़ी बड़ा बड़ा चट्टान यहाँ पे है, और यहाँ पे काफ़ी ओपन स्पेस है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं घूमने। और इस साइड से भी पूरा आपको दिख रहा है बस्ती, और अभी अच्छा खासा हवा चल रहा है एकदम, तो मस्त लग रहा है। नीचे से आते आते गर्मी लगने लगा और हम लोग को जाना पड़ेगा ये छोटी सी भुकड़ू से, ये है भुकड़ू। ओह माय गॉड, खतरनाक। और ये रॉक गार्डन वाला फील आ रहा है, रॉक गार्डन नहीं टैगोर हिल वाला फील आ रहा है। हाँ जिंदगी में गया नहीं, लेकिन नहीं गया टैगोर हिल, कितना पास में है। और ये जगह है इलिट का है, कौन सा कॉलेज, बीएड कॉलेज है कि स्कूल है? स्कूल है, स्कूल भी कॉलेज है, स्कूल कॉलेज दोनों है। और इसके जस्ट आगे में है डीएवी पब्लिक स्कूल, और उससे जस्ट पहले व्हाइट ब्लू दिख रहा है वो है गोडाउन कोल्ड स्टोरेज है, पता नहीं किस चीज़ का कोल्ड स्टोरेज है। और ये छोटा सा तालाब यहाँ पे दिख रहा है, चमक रहा है, हाँ चमक रहा है। और वहाँ पे देखिए इधर आपको दिख रहा होगा मेदनी राय मेडिकल कॉलेज, पता नहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा कुहासा है, धूल है, धूल की वजह से ऐसा हो गया है पता नहीं। हाँ और वहाँ पे कुछ लिखा गया था, वहाँ पे लिखा गया था अल्बर्ट, लिखा हुआ है श्याम लव्स, पता नहीं श्याम लव्स पतंजलि ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा। अंजलि लोग कहाँ कहाँ चढ़वाया, एक तो फोटो खिंचाने के लिए अजीब हालत है, उस दिन कैमरा गिरा था आज हमें को गिरा देगा। और हम काफी ज्यादा नीचे उतर गए थे, कुछ भी अल्बर्ट का पैंट पूरा लाल पीला हो गया। चलो ठीक है, आज तेरे मम्मी क्लास लेगी, आज तेरे मम्मी क्लास लेगी, नहीं लेगी मेरे में है या नहीं है, कहाँ गई है, मैं गई है। और यहाँ पे मंदिर है, ये किसके सौजन्य से बना है, ये बना है उल्टा दिख रहा मेरे को तो यहाँ से, और मेरे पीछे देखिए पूरा बस्ती नजर आ रहा है एकदम एक नंबर। इधर मेरे पीछे मंदिर भी है, देखिए नीम का तो उन्होंने तोड़ रहे हैं, गांधी जी नीम का चटनी खाते थे, पत्ता का मतलब इसका फूल का भी, और अभी मार्च का महीना चल रहा है तो इसका बालक पत्ता और खा सकते हैं, घाव नहीं होगा, किल मुहासे नहीं होंगे। और अभी पतझड़ का मौसम है इसी चलते पूरा पत्ता झड़ा हुआ है, वरना यहाँ पे हरा भरा जंगल। ब्लॉक कर देते, बोलते तुम हमको ब्लॉक अनब्लॉक क्या करता था, कुछ नहीं अभी टाइम हम नहीं दे सकते किसी को, कुछ नहीं दे सकते, मतलब नोट टूटा और मतलब नहीं है वैसे ढूंढने चलो, नहीं बोलते नहीं तुमको प्यार हो ही नहीं सकता, अरे जबरदस्ती है मतलब इंसान हम नहीं कर सकते, मतलब देख के शक्लें देख के बोलते थे नहीं हो ही नहीं सकता, तो मतलब इंसान प्यार भी ना करे।
ब्लॉक कर देते, बोलते तुम हमको ब्लॉक अनब्लॉक क्या करता था। कुछ नहीं, अभी टाइम हम नहीं दे सकते किसी को, कुछ नहीं दे सकते हम, मतलब नोट उठा और मतलब नहीं है वैसे ढूंढने चलो तो नहीं, बोलते नहीं तुमको प्यार हो ही नहीं सकता। अरे जब बेचती है मतलब इंसान हम नहीं कर सकते, मतलब देख के शक्लें देख के बोलते थे नहीं हो ही नहीं सकता तुमसे, यही हाल है मतलब इंसान प्यार भी ना करे। नहीं नहीं शादी करना सोच जहाँ तक जो आएगी उसी शादी करना है, वो आगे भी याद है नहीं हम आर्मी बनने का सोचा है, क्या पता अगर हम आर्मी नहीं बने तो अपना बेटा बनाए बेटा मिला आर्मी, फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ता है पहले से बहुत फैमिली प्लानिंग के लिए। इस बात के बारे में मालूम अपना ये हम है, ये हमारी कैमरा है और यहाँ वीडियो हो रही है, हाँ ब्लॉगिंग चल रही है, चल रही है। अरे बच्चे का मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतलब बातचीत करते हैं समझे, बच्चे का वो लोग गलत मारो अभी ऑन कैमरा नहीं दिखा रहा, बाल उल भाई से उठा मारा हुआ है एक दूसरे को, अरे मतलब बकबक करते हुए एक तो डायरेक्ट है बातचीत, बातचीत सुनिए बातचीत करते हैं तो हम लोग बग जगह आप कह देते हैं तो फिर मार धाड़ की फिर बाल उल भी उड़ा हुआ तो अभी हम लोग बातचीत करते हुए वापस जा रहे हैं और पहाड़ से तो उतर गए हैं और यहाँ पे अभी 8 बज गया, हम लोग यहाँ पर आए थे 6:30 बजे आसपास, मतलब करीब 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 1 घंटा यहाँ पे हम लोग पहाड़ का विचरण किए हैं, पूरा घूमे फिरे, मतलब जितना पेट्रोलिंग करना था पूरा पहाड़ का पेट्रोलिंग कर लिए हैं। अरे और थोड़ा बहुत थोड़ा मेरा ब्रेक रेक थोड़ा स्लो हो गया, डिस्क ब्रेक बहुत जोर से पकड़ रहा है कहीं भी फिसल जा रहा है, बहुत बढ़िया पकड़ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी आ सकते हैं जॉगिंग वॉगिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, यहाँ पूरा ओपन स्पेस है और शांति भी है, ऊपर में नल वगैरह भी है तो आँख मुंह धो सकते हैं, मंदिर भी है मिल सकते हैं भगवान जी से प्रार्थना वगैरह जो करना है तो बढ़िया लग रहा है, नहीं किसी मार दिया मैं नीचे उतर गए तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रहेगा। पूरा नाम बता तो अभी हम लोग यही दोनों पहाड़ ने एक ही पहाड़ ना घूम के आए हैं, तभी ये पहाड़ हम लोग घूम के आए हैं और पूरा इधर जौ का खेती हो रही है, जौ गेहूँ पूरा खेती हुआ इधर, लेकिन पता नहीं अच्छा से नहीं निकल पाया है, अभी निकल ही रहा है धीरे धीरे।